खबर रीवा से है, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रीवा के कॉलेज चौराहे में सीताराम बाबा उर्स समर त्रिपाठी का पुतला दहन किया और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर दो दिनों में कार्रवाई नहीं की जाती तो बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि कल सर्किट हाउस में तथाकथित कथावाचक सीताराम बाबा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही वो फरार है। वहीं अब ये मामला तूल पकड़ चुका है, क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना घटी है उसमें कई बड़े नाम संदेह के घेरे में है। देखिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए क्या कहा। आज हम लोगों ने कॉलेज चौराहा में सीताराम बाबा, जो कि उर्फ सामर्थ त्रिपाठी नाम है उनका, उनको समदड़िया द्वारा कथावाचक के रूप में रीवा बुलाया गया था। वो कथावाचक के रूप में आए थे, वो सर्किट हाउस में रुके हुए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सरकारी कर्मचारी और सिर्फ उनके लिए सर्किट हाउस खुलता है, नेताओं के लिए, तो सर्किट हाउस किसके संरक्षण में खुला, इनको कौन संरक्षण दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि, सांसद जी हों, राजेंद्र शुक्ला जी हों, कोई भी जनप्रतिनिधि सामने आके इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहा? हम लोगों ने आज सीताराम बाबा का पुतला दहन किया है और SP साहब से मांग की है कि इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे सभी छात्र नेतियों और सभी छात्राओं के साथ, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन छात्रों के हित की लड़ाई लड़ता है। और ये जो शिवराज सिंह जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, अब ये बताइए कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कोई जनप्रतिनिधि सामने क्यों नहीं आ रहा, क्यों बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ? ये बताइए, विनोद पांडे ऑलरेडी 302 का अपराधी है, गोंडा में जेल काट के आया है अभी, तो उसके साथ घूम रहा है, वो सर्किट हाउस किसके कहने पे खुला, उसको वहाँ रोकने के लिए किसने व्यवस्था की? मैं उसकी सीताराम बाबा की, जो ढोंगी बाबा यहाँ कथा सुनाने आता, उसकी तस्वीर वायरल हुई है कई सारी, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी का करीबी बताया जा रहा है, मतलब गृह मंत्री जी का आदेश था। राजेंद्र शुक्ला जी आए ना सामने बेटी के लिए, बेटी बचाए ना, कब आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सामने कौन आएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें कार्रवाई हो और SP साहब इसको तत्काल कार्रवाई मिले। अगर दो दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, अगर दो दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 200 लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ मैं कलेक्ट्रेट के सामने घेराव में बैठूंगा। क्या नाम है आपका? नाम पंकज उपाध्याय, TRS कॉलेज NSUI अध्यक्ष हूँ। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।